आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होने वाला है और चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी चाहती है कि मेगा ऑक्शन से पहले, जैसे आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले चार ही खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन था, परंतु इस बार सीएसके चाहती है कि आठ खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन मिले, जिससे उनकी जो टीम सेटल हो चुकी है उस टीम में ज़्यादा बदलाव ना करना पड़े, अपने जो कोर ग्रुप को वो एक साथ रखना चाहती है, इसीलिए चाहती है कि आठ खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन मिले। परंतु किन आठ खिलाड़ियों को सीएसके की टीम रिटेन करेगी, इस वीडियो में वही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करिए। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सीएसके के फैंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी रख सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो। इसके अलावा चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट्स कंसेप्ट में मिलेगा, परिवार का आप भी हिस्सा बन जाइए। तो चेन्नई सुपर किंग्स, यार ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया, टीम भी अच्छी खासी थी, जरूर डेवेन कॉनवे इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, पर शिवम दुबे, रचिन रविंद्रा का एडिशन, डेरेल मिशेल का एडिशन, एमएस धोनी की फिनिशिंग टच, लास्ट मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ हार कर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2024 से बाहर हो गई और आईपीएल 2024 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। परंतु ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत बेहतर कप्तानी की, मतलब एमएस धोनी से आगे जो खिलाड़ी बागडोर संभालेगा वो खिलाड़ी यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिल चुका है ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। तो ऋतुराज गायकवाड़ वो पहला नाम होने वाला है, कप्तान भी है और आने वाले सीजन में हो सकता है कि अगले 5-7 साल तक सीएसके टीम की कप्तानी भी करे, तो ऋतुराज गायकवाड़ वो पहला नाम रहेंगे जिसको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिटेन करना चाहेगी और रिटेन करेगी, क्योंकि कप्तान भी है, बल्लेबाजी भी आईपीएल 2024 में अच्छी करी और पिछले 3 सीजन में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल बल्लेबाज रहे हैं ना वो ऋतुराज गायकवाड़ रहे हैं, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए अच्छा शुरुआत दी है, पावर प्ले में तेज गति से रन जोड़े, थोड़ी सी स्ट्राइक रेट का इश्यू रहता है, उसको अगर और बेहतर कर लेंगे तो एक सक्सेसफुल बल्लेबाज बन जाएंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ फर्स्ट लिस्ट पर है चेन्नई सुपर किंग्स की, इसको रिटेन करना चाहिए। दूसरा नाम डेवेन कॉनवे, जरूर आईपीएल 2024 इंजरी की वजह से मिस किया, पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवेन कॉनवे की जो पार्टनरशिप थी ना वही एक सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2023 की चैंपियन बनी थी। इन दोनों के बीच में लगातार 50 प्लस की 100 प्लस की पार्टनरशिप हो रही थी। डेवेन कॉनवे को इन्होंने आईपीएल 2024 में मिस किया, पर 2025 में वो रिटेंशन की लिस्ट में दूसरे नाम होने वाला है, क्योंकि ये ओपनिंग पार्टनरशिप सीएसके के लिए धमाली मचा रही है। तो दूसरा नाम डेवेन कॉनवे हो गया। तीसरा नाम रचिन रविंद्रा, आने वाले समय में एक ऑलराउंडर्स के रूप में रचिन रविंद्रा उभर सकते हो, और सीएसके टीम हमेशा उन खिलाड़ियों को देखती है, उन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ती है जो स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, स्पिन ऑलराउंडर है और बल्लेबाजी में भी अहम योगदान निभा सकते हैं, जैसे मोइन अली को काफ़ी सालों से रखा है, रविंद्र जडेजा उनके साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा स्पिन पे ये ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करती है, इसीलिए रचिन रविंद्रा को खरीदा, ओपन भी करवाया, स्टार्टिंग में शुरुआत रचिन रविंद्रा ने अच्छी करी, पर बीच में एक फ्लॉप शो आया, फिर उनके बाद में रचिन रविंद्रा को ड्रॉप कर दिया, फिर वापस से रचिन रविंद्रा को मौका दिया, और ओवरऑल रचिन रविंद्रा का वो सीजन नहीं गया जो सीएसके टीम एक्सपेक्ट करके चल रही थी आईपीएल 2024 में, परंतु उम्मीद यही करके चल रही है कि आईपीएल 2025 इसमें धमाल मचाएंगे। तो वो तीसरे नाम रचिन रविंद्रा होने वाले हैं जिसको सीएसके की टीम आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करेगी। चौथा नाम शिवम दुबे भाई साहब, दुबे भाई साहब की जो इंपैक्ट वाली पारी आई है ना पिछले 2 सीजन में, जिसकी वजह से वो इंडिया टीम में भी खेल रहे हैं, तो शिवम दुबे का इंपैक्ट वाली पारियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और जब जब शिवम दुबे की पारी आई है वो 120 130 की स्ट्राइक रेट से नहीं आई, वो आई है 170 200, और स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में 7 से 15 ओवर की फेज में 10 की इकोनमी बरकरार रखी है सीएसके की, और स्पिनर्स को सेटल ही नहीं होने दिया है। तो वो चौथा नाम होने वाले हैं शिवम दुबे, जिसको सीएसके की फ्रेंचाइजी रिटेन करना चाहेगी, अपने साथ रखना चाहेगी। पाँचवा नाम रविंद्र जडेजा, जडेजा के रूप में ऑलराउंडर है, ठीक है रविंद्र जडेजा का हालिया फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है, पर रविंद्र जडेजा ने सीएसके के लिए आईपीएल 2023 का फाइनल जिताया था, एक छक्का और एक चौका लगा के, और आईपीएल 2024 में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पारियां और काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट लेके दिए थे जब जरूरत पड़ी थी, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स वाला मुकाबला भी उठा के देख लीजिए। तो रविंद्र जडेजा रिटेंशन की लिस्ट में, सीएसके की रिटेंशन की लिस्ट में पांचवा नाम होने वाला है जिसको सीएसके की टीम रिटेन करने वाली है। छठा नाम अभ्रेस है यहाँ पे, तुषार देशपांडे या दीपक चार, दीपक चार को क्यों रिटेन नहीं करेगी और तुषार देशपांडे को क्यों रिटेन करेगी, इसके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि दीपक चार इंजरी की वजह से, यार आप आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में 14 करोड़ रुपए खर्च करें, आईपीएल 2022 मिस करके चले गए, आईपीएल 2023 में अधिकतर बार इंजर्ड रहे, आईपीएल 2024 में भी सेम स्टोरी देखने को मिली, जो मुकाबले के लिए उसमें फॉर्म में नजर नहीं है, तो आप दीपक चार को रिटेन नहीं करना चाहोगे क्योंकि वो इंजरी प्रोन खिलाड़ी है, उसको आप रिटेन करके एक स्लोट फुल करने की कोशिश करें उसके बजाय तुषार देशपांडे, ठीक है थोड़े से महंगे साबित होते हैं, पर तुषार देशपांडे को अराउंड 20
विकेटें मिली आईपीएल 2024 में, विकेट लेके देते हैं, महंगे जरूर साबित हो रहे हैं पर इंपोर्टेंट टाइम पे इंपोर्टेंट विकेटें हैं ना वो सीएसके टीम मैनेजमेंट को दिलाई है। तो मुझे लगता है कि दीपक चार को तो रिलीज कर देना चाहिए और उसके बजाय तुषार देशपांडे को रिटेन करना चाहिए, जिसने कम से कम भरोसा तो दिलाया कि मैं विकेट लेके दे सकता हूँ, मैं 14 के 14 मुकाबले खेल सकता हूँ, मैं पूरी तरीके से फिट रह सकता हूँ। इसलिए तुषार देशपांडे वो छठे खिलाड़ी होने वाले हैं जिसको चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट रिटेन करने वाली है। सातवें खिलाड़ी मतीसा पतिराना, श्रीलंका के फास्ट बॉलर, मलिंगा स्टाइल वाले बॉलर। जैसे ही मतीसा पतिराना आईपीएल 2024 से इंजरी की वजह से बाहर हुए ना, तो थोड़ा सा झटका लगा, उनकी गेंदबाजी वीक नजर आई, क्योंकि मतीसा पतिराना 10 ओवर बाद में गेंदबाजी करने आते थे, डेथ ओवर की में गेंदबाजी की कमान संभालते थे सीएसके के, और विकेटें लेके देते थे, अप फ्रंट रन अगर डिफेंड करने हो तो वो डिफेंड भी करते थे, और एक शानदार गेंदबाज है जो अगले 5-7 साल 10 साल तक सीएसके के साथ जुड़ा रह सकता है, और इससे बेहतरीन डेथ बॉलर सीएसके को मिलेगा नहीं। तो सीएसके टीम डेफिनेटली रिटेन करना चाहिएगी मतीसा पतिराना को भी। तो ये 7 खिलाड़ी हो चुके हैं जिसको सीएसके की टीम आने वाले मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करना चाहेगी, जिसमें रविंद्र जडेजा के रूप में एक ऑलराउंडर भी सम्मिलित हो गया, रचिन रविंद्रा को भी ऑलराउंडर में इंक्लूड कर सकते हैं, डेवेन कोनवे, ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में ओपनर्स मिल गए, और डेवेन कोनवे और ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में ओपनर्स मिल गए, तो मतीसा पतिराना के रूप में एक फास्ट बॉलर मिल गया, रविंद्र जडेजा रचिन रविंद्रा के रूप में एक स्पिन बॉलिंग भी ऑप्शन मिल गया। तो दो तुषार देशपांडे और मतीसा पतिराना हो गए, दो फास्ट बॉलर रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, रचिन रविंद्रा ऑलराउंडर जो स्पिन भी कर सकते हैं, शिवम दुबे जो मिडिल ओवर में बल्लेबाजी की कमान संभाल सकते हैं, डेवेन कोनवे और ऋतुराज गायकवाड़ जो ओपनिंग में बल्लेबाजी की कमान संभाल सकते हैं। तो मतलब पैक यूनिट नजर आ रही है, ओपनिंग भी क्लियर, मिडिल ऑर्डर भी क्लियर, स्पिनर भी क्लियर, फास्ट बॉलर भी क्लियर, मतलब ये टीम तो ऑक्शन में जाने से पहले सेटल लग रही है, बस ऑक्शन में वो कोर ग्रुप को कंप्लीट करना है और एक सेटल यूटिन बनाने की कोशिश करनी होगी। अगला और लास्ट नाम एमएस धोनी। क्या एमएस धोनी, देखो एमएस धोनी रिलीज करने का ऑप्शन तो सीएसके के पास है ही नहीं, एमएस धोनी रिलीज तो नहीं होने वाले, मुझे नहीं लगता है कि एमएस धोनी रिलीज हो। अब एमएस धोनी देखो सीएसके तो पूरी कोशिश करेगी, सीएसके टीम पूरी कोशिश करेगी कि कैसे ना कैसे एमएस धोनी को मनाया जाए कि वो आईपीएल 2025 भी खेलें, पर क्या वो इंजरी से पूरी तरीके से फिट आके आईपीएल 2025 खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब देखो सीएसके तो चाहेगी रिटेन करना, पर ये एमएस धोनी पे डिपेंडेड है कि एमएस धोनी अब रिटायर्ड होना चाहते हैं आईपीएल से या नहीं होना चाहते, क्या आईपीएल 2025 वो एक और सीजन खेलना चाहते हैं अपने फैंस के लिए, सीएसके फ्रेंचाइजी के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आईपीएल 2023 में भी इंजर्ड थे, आईपीएल 2024 में भी इंजर्ड थे, और आप इंजरी को ज़्यादा अगर खींचोगे और ये ज़्यादा सीरियस इंजरी हो गई तो वो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, पर शरीर के बारे में अपनी बॉडी के बारे में एमएस धोनी को ही ज़्यादा पता होगा कि वो कितने परसेंटेज फिट है और कितने परसेंटेज फिट नहीं है। तो एमएस धोनी, देखो एमएस धोनी का रिटेंशन होना और रिलीज होना या रिटायर होना ये सीएसके के हाथ में भी नहीं है, ये एमएस धोनी के खुद के हाथ में है। अगर एमएस धोनी चाहेंगे तो वो आठवीं खिलाड़ी बन जाएंगे जिसको सीएसके की टीम रिटेन करेगी, पर 8 खिलाड़ियों को अगर रिटेन करने का ऑप्शन मिला ना तब तो इजी काम हो जाएगा कि एमएस धोनी को आप रिटेन कर लो, पर ये ऑप्शन कहीं जैसे 2022 मेगा ऑप्शन से पहले 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन था, अब अगर 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन आ गया ना तो फिर सीएसके की टीम फंस जाएगी भाई साहब। फिर आपको आप चाहोगे ऋतुराज गायकवाड़ रिटेन हो, शिवम दुबे को चाहोगे, रविंद्र जडेजा को चाहोगे, मतीसा पतेराना को भी चाहोगे कि वो भी रिटेन हो, ये 4 खिलाड़ी तो चाहोगे ना, फिर इनमें से अगर आप एमएस धोनी इंक्लूड करते हो तो किसी ना किसी फिर बड़े नाम को रिलीज करना होगा, तो ये हेडेक बन जाएगी। 8 खिलाड़ियों में एमएस धोनी को रिटेन करना सीएसके के लिए आसान हो जाएगा, परंतु 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन करने का अगर ऑप्शन मिला ना वहाँ पर सीएसके की टीम फंस जाएगी।